तो इस गोल मटोल गोल्डन ब्राउन मिठाई को तो देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज मेरे किचन में क्या शानदार बन रहा है। मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन, जो हर त्योहार में बना लीजिए, कभी भी बना लीजिए, एक्चुअली कहीं भी उपलब्ध है, लेकिन घर में बनाए हुए गुलाब जामुन की बात ही कुछ और है। तो गुलाब जामुन बनाने के सही तरीके के साथ साथ मैं दूंगी बहुत सारे टिप्स भी, और यकीन मानिए कि अगर आपने इन सारे टिप्स को फॉलो किया तो आप भी अपने घर में बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी मुलायम गुलाब जामुन। इसे जितना मजा बनाने में आता है उतना ही मजा इसे खिलाने में आता है। तो बनाइए इस शानदार से गुलाब जामुन को, खिलाइए अपने परिवार को और अपने दोस्तों को। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पहले मैं सिरप रेडी करती हूँ, शुगर सिरप रेडी करती हूँ। ये है 2 कप शुगर, 2 कप चीनी है, और सेम 2 कप चीनी जितना आपने यूज किया उतना ही पानी लेना है। तो आप किसी भी मेजरमेंट कप से 2 कप शुगर और 2 कप पानी लेकर इसमें डाल दीजिए। और ये है इलायची पाउडर, तो ये मैंने लिया है करीब 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। ये देखिए ये इलायची पाउडर, इसे मैं डाल रही हूँ। और ये है सैफ्रन यानी कि केसर, तो ये थोड़ा सा केसर भी इसमें डाल देते हैं। केसर ऑप्शनल है, इसे डालना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप डाल देते हैं केसर तो इसका कलर एक तो बहुत ही सुंदर आता है और हल्के से टेस्ट में भी बहुत फर्क आ जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है और कलर बहुत सुंदर आता है। देखिए कलर कैसे चेंज हो रहा है केसर डालते ही, तो केसर इसलिए डालते हैं। ये देखिए अब इसे चम्मच से मिक्स करते हैं। अब इसे चम्मच से हिलाते रहते हैं और ताकि सिरप बिल्कुल शुगर इसमें गल जाए और 5 मिनट हो जाए तो सिरप हल्की सी गाढ़ी हो जाए। अगला टिप ये है कि शुगर सिरप जो है बहुत थिक ना हो जाए, तो सिर्फ 5 ही मिनट इसे पकाना है। सिरप जब हल्की सी गाढ़ी हो जाए तो चाशनी को आप निकाल के अलग रख लीजिए। और ये है MTR का 200 ग्राम का गुलाब जामुन का पैकेट, इसे मैंने लिया है और इसे मैं मिक्स कर रही हूँ दूध के साथ। इसे पानी के साथ भी मिक्स किया जा सकता है लेकिन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दूध का। तो ये देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके मैं इसे मिक्स करके एक डो की तरह बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा सारा दूध एक साथ नहीं डालना, हल्का हल्का आप डालिए और इसे मिक्स कीजिए। इसे ओवर नीड भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इसे नीड नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा नीड करेंगे तो भी गुलाब जामुन सॉफ्ट और अच्छे नहीं बनते हैं। तो एक टिप है कि इसे ओवर नीड नहीं करना है, इसे हल्का सा ही नीड करना है, मिक्स कर देना है दूध के साथ इस गुलाब जामुन मिक्स को। तो ये टिप याद रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा नहीं गूंथना है, सिर्फ इसको मिक्स कर देना है, हल्का हल्का दूध या पानी डालकर इसे मिक्स कर देना है। ये देखिए अब डो रेडी है, तो हाथ में हल्का सा ऑयल लगाकर इस तरह से गोल करके बॉल्स के शेप में सारे गुलाब जामुन के इस मिक्स को, इस डो को ऐसे गोल घुमाकर बॉल्स के शेप में बना देना है। तो टिप नंबर 3 ये है कि इस पॉइंट पे जब आप बॉल्स बना रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि बॉल्स क्रैक ना हो जाएं। बॉल्स में बिल्कुल भी क्रैक नहीं पड़ने चाहिए। तो आप एक बार क्या कीजिए कि इस तरह से बॉल्स, सारे बॉल्स को बनाकर रख लीजिए और दोबारा फिर से बॉल्स को उठा करके एक एक करके फिर से इसे गोल बनाइए। तो इंटेंशन ये है कि बॉल्स में क्रैक्स बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए। तो एक बार आपने गोल बनाकर सबको रख लिया, हाथ में तेल लगा के सबको गोल बना लिए, बॉल्स बना लिए, इस तरह से इसे रख दिए, और दोबारा बॉल्स बनाने के बाद एक बार फिर से आपको गोल करना है, एक बार फिर से आपको इस तरह से इसे बॉल बनाना है, इसे रोल करना है अपने हाथ में, ताकि अगर क्रैक रह भी गया हो तो बिल्कुल ठीक हो जाए और क्रैक न रहे। नहीं तो क्या होता है ना कि जब हम फ्राई करते हैं तो उस गुलाब जामुन के अंदर बहुत सारा ऑयल चला जाता है, तो फिर टेस्ट बहुत बिगड़ जाता है गुलाब जामुन का। तो इस बात का ये टिप नंबर, तो ये और एक टिप है कि गुलाब जामुन जब आप बॉल बनाएं इसका तो बिल्कुल भी इसमें क्रैक ना आने दें। अब सारे बॉल्स तैयार हो गए, तो ये देखिए ऑयल लिया है मैंने एक कढ़ाई में, इसे मीडियम फ्लेम में रखना है, मीडियम फ्लेम में रख के ऑयल को गर्म कर लेना है, मीडियम हीट। और इसके बाद एक एक करके सारे बॉल्स को या हाफ बॉल्स को डाल लेते हैं और उसके बाद फ्लेम को लो कर देते हैं। फ्लेम लो करके सारे गुलाब जामुन को तल लेना है, फ्राई कर लेना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक आप एक एक गुलाब जामुन को इसमें डालते रहिए और इसको फ्राई करते रहिए। और देखिए जब आप डालेंगे फ्राई करने के समय तभी थोड़ा सा गुलाब जामुन और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा फूल जाएगा, और इस तरह से सारे गुलाब जामुन को गोल्डन ब्राउन होने तक
इस तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट टिप ये है कि लो फ्लेम में गुलाब जामुन को फ्राई करना है और उसके बाद आप इसे ल्यूक वॉर्म चाशनी में, जो सिरप मैंने तैयार किया है, ल्यूक वॉर्म सिरप में इसे डाल देना है। तो आखिरी टिप ये है कि आप जब फ्राइड गुलाब जामुन को डायरेक्ट आपको डाल देना है सिरप में, लेकिन उस वक्त सिरप बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और ना ही ठंडा हो, उसे ल्यूक वॉर्म होना है, हल्का सा गर्म होना है। और इस तरह से आप गुलाब जामुन, सारे गुलाब जामुन फ्राई करके इसमें डाल दीजिए और इसे छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि गुलाब जामुन का जो साइज है वो डबल हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो तैयार है बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही यमी लजीज गुलाब जामुन। तो अगर आपको मेरे ये रेसिपी पसंद आई हो और साथ साथ मेरे ये टिप्स पसंद आए हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और गारंटी मानिए कि अगर आप इस तरह से इस सारे टिप्स को फॉलो करते हुए गुलाब जामुन बनाएंगे तो एक भी गुलाब जामुन टूटेगा नहीं और गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो एंजॉय कीजिए इस गुलाब जामुन को हर फेस्टिव सीजन में और हर नो ओकेजन के लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलूंगी अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।